वेलकम बैक नाज़रीन, आज़ादी ट्रांसमिशन के साथ हम आपके साथ दोबारा हाजिर हैं, अवैर जहांगीर और चिद्रा खान। इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियो में जो टीम मौजूद है, बेसिकली दे आर बैंड आरिश, इस्लामाबाद के जाने माने अमेजिंग आर्टिस्ट जिन्होंने सूफी और स्पेशली मेटल का फ्यूजन किया है। काफ़ी रिनाउंड बैंड है हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। कुछ सुबह से कुछ इंटरटेनमेंट खास हुए नहीं, हमने टॉपिक्स काफ़ी डिस्कस किए। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा हल्ला गुल्ला भी हो जाए, जश्न आज़ादी सही तरीके से मनाई जाए। तो हम आते हैं अपने बैंड मेम्बर्स की तरफ, जो कि है नौशरवान साहब जो कि लीड वोकलिस्ट, इनके हमारे बेसिस जो हैं लीड बेसिस, और इनके साथ हैं हाजिक अली साहब। फहद, तो यार कैसा राज का दिन, कैसा गुजारा आज का दिन, ये बताओ सबसे पहले। मेरे ख्याल से आज का दिन बड़े मेमोरेबल है, क्योंकि इतना रश मेरे ख्याल से पिछले साल में हमने सड़कों पे नहीं देखा और इतनी गाड़ियों को नहीं देखा। आज हमें आपके स्टूडियो में, आपके स्टूडियो में आना हमारे लिए बड़ा एक यू नो चैलेंज बन गया था। हम आज तीनों मिल के बैठे हुए थे, किस रास्ते से आज जाएँ। ठीक है, इतनी एक रश ऑब्वियसली, क्योंकि इस वक्त हर जगह हर सड़क भरी हुई है पूरे जोश और जज्बे के साथ। एक भीड़ सी मची होगी बाहर सड़कों पर लोगों को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छी one unit, one body, no doubt in that. अच्छा, इसी के साथ सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि वी नीड अ पैक परफॉर्मेंस फ्रॉम यू, एक अच्छी सी परफॉर्मेंस नौशरवान आपसे और आपके जो दो स्पेशल गिटारिस्ट मौजूद हैं उनसे। सो गाइस प्लीज, मेरे ख्याल से हम स्टार्ट लेंगे एक ओरिजिनल से जो हमारा ओरिजिनल गाना है, और अगर मौका मिला तो इसके बाद एक पाकिस्तान के नाम एक गाना करेंगे, एक पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनाएंगे। सो आई वुड स्टार्ट विद द ओरिजिनल फर्स्ट। रुझान ज्यादा आ गया, तो बीइंग अ पाकिस्तानी ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है कि यार दिस इज़ अमेजिंग ट्रैक, क्योंकि आई हर्ड ये पेप्सी बैटल ऑफ बैंड में भी चला था, तो ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी आप लोगों के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने शो की बात कर दी, पेप्सी के शो में ये जो ट्रैक हमारा था उसको जो लोगों से प्यार मोहब्बत मिली और सपोर्ट मिली वो बहुत ज़्यादा थी हमारे लिए, और हम खुद सरप्राइज थे जब हम वापस आए वहाँ से और ये ट्रैक ऑन एयर हुआ टीवी पे भी और यूट्यूब वगैरह पे, फेसबुक पे,
तो हमें रोज़ कई लोगों के मैसेज आते थे फेसबुक पे, इवन यूट्यूब पे कमेंट्स आते थे, मतलब कि ऐसे ऐसे कमेंट्स होते थे कि हम मतलब बिलीव नहीं कर सकते थे लोग हमारे बारे में इस तरह सोचते हैं और इस तरह वो यू नो हमारे गाने को पसंद कर रहे हैं इतना बिलीव करने वाले. बिल्कुल बात है, बिकॉज दिस वाज रियली अमेजिंग, माशाल्लाह, रियली वेरी वेरी ग्लोरियस. हाजिक, आप बताएं कि आज का आपका दिन कैसा गुजरा? अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो यहाँ पे 14 अगस्त पे सिर्फ पटाखे बजाते हैं ज्यादातर लोग. परफॉर्मेंसेस तो कम ही होती हैं. हाँ, लाहौर कराची में ज्यादा सीन था, अनफॉर्चुनेटली एक दो मिली थी लेकिन हम जा नहीं सकते थे, थोड़ा सा हमारे अपने मसले थे, इसके अपने काम शाम थे, उसके अपने काम थे, तो काम झुटला रहे बंदा, बात कर ही नहीं रहा. लेकिन आप देखें, आप लोग इधर हमारे शहर में थे तो आपके पास हम लोग फॉरेन आ गए. अरे डीबीटीवी इनका साथ कभी नहीं छोड़ सकते, हमेशा साथ रहेंगे. बिल्कुल ऐसे ही. तो फहद, आपका कैसा गुजरा आज का दिन? सो के आप लोग कुछ पाकिस्तान के लिए कुछ आप ट्रिब्यूट प्ले कर सकें. बिल्कुल, ये बहुत बहुत ही स्पेशल जो है ना, आई वुड से नगमा नहीं कह सकते इसको, पेट्रियोटिक गाना कहेंगे, और ये हम तीनों के दिल के बहुत करीब है. जो चौथा मेंबर है नहीं यहाँ पे, उसका भी नाम ले लूँ, हुमायूं, ख्याल में सबके दिल के करीब है हमारे. और हमने जब इसको परफॉर्म किया था पहली बार, आई रिमेम्बर 6 सितंबर का इवेंट था कि उस पर किया था, और एक हमें एक अमेजिंग रिस्पॉन्स मिला था. तो आज भी उम्मीद करते हैं कि लोग इस गाने को पसंद करेंगे और हम अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस. वाइटल साइंस हमेशा से इंस्पिरेशन रही है. दिल पाकिस्तान, परफेक्ट. अरे यार, हर किसी के दिल के करीब है गाना, क्योंकि हर दिल है पाकिस्तान बेसिकली. मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है. फूल एक लड़ी में पिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है. हो दिल दिल पाकिस्तान. मतलब एक ऐसी फीलिंग के बस दिल के ऐसी फीलिंग. अच्छा, तो बेसिकली आरिश, आप लोगों ने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए वक्त निकाला, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. और यही कि आइंदा आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से आप गाना बजाते रहिए, अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहिए, और जो इंटरनेशनल लेवल पर हम आपको जल्द देखना चाहेंगे, स्पेशली विद द आसमा. थैंक यू. ठीक है, लेकिन जाने से पहले समथिंग आई वांट टू प्ले अगेन फॉर पाकिस्तान, समथिंग एल्स, समथिंग एनीथिंग, लाइक वी कैन एंड ऑन दैट नोट, यू नो. और इश्क से मिलती